जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड के भविष्य के अधिकारियों को विवेक सर की तरफ से झारखंडी जोहार। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 11th जेपीएससी, जो कि आपका 17 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो मैंने कई सारे चैनल्स पर, या हम कहें कई सारे माध्यमों से, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट हो, एक सर्वे कराया, जिससे ये पता चल रहा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि कल जो आपका पेपर हुआ 17 मार्च को, उसमें हड़बड़ी में गड़बड़ी बंपर तरीके से देखी गई है। अगर गड़बड़ी वाकई में बहुत बड़े लेवल पर हुई है या बहुत निम्न स्तर पे हुई है, एक भी बच्चे का अहित हुआ है, तो ये पेपर रद्द होना चाहिए, मेरी मांग है। और मेरी नहीं, हमारे सारे भविष्य के अधिकारियों की, बेरोजगार साथियों की, युवाओं की मांग है। हालांकि कई बच्चे हमसे कह रहे थे, जब मैं क्लास लेने जाता हूँ, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कुछ प्रेडिक्शंस बता दो। तो मैंने कहा, बच्चों मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, जब तक मैं कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम वगैरह, जहां जहां ग्रुप्स वगैरह हैं, वहां पे मैं एक नॉर्मल सर्वे ना करा लूं। दोस्तों, उस सर्वे पे क्या निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने तीन जगह पे आप सभी लोग पोस्ट की थी कि जेपीएससी पीटी में कितना जा रहा है सही प्रश्न आपका। एक तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, टीचर्स एक्सप्रेस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने चार ऑप्शन दिए थे बच्चों, 125 से 135 प्रश्न आप करके हल करके आए हो, या 145, 135 से 145, या फिर आप करके आए हो 145 से 150, या 150 से ज्यादा करके आए हो। तो दोस्तों, यहां पर हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि बच्चों का जो, बच्चों ने जितने पोल पे आंसर लगाया, वो लगभग लगभग 125 से 135 के बीच में पोल पर टिक किया है। वही मैं अगर कहूं टेलीग्राम ग्रुप, तो दो हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप हैं, हिंदी बाय विवेक सर और टीचर्स एक्सप्रेस, दोनों पे मैंने पोल किया। अगर आप सभी लोग इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस ग्रुप पे सबसे पहले और विश्वसनीय न्यूज दी जाती। देखिए, आज सुबह न्यूज़पेपर में जो न्यूज आई, देखिए मैंने अपलोड भी की थी 11:03 AM पे। इसी तरीके से झारखंड के कोई भी न्यूज होती है, तो मैं सबसे पहले इन टेलीग्राम ग्रुप्स पर अपडेट देता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मैसेज, आप वहां से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी देखो दोस्तों, यही देखने को मिल रहा है। मैंने यही सेम पोल यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जेपीएससी पीटी में कितने सही प्रश्न जा रहे हैं। 53% बच्चे 125 से 135 हैं, सेम दोनों ग्रुप में यही कंडीशन है। 50% से, यानी कि हम कह सकते हैं 50% से ऊपर बच्चा 125 से 135 प्लस अंकों के बीच में है। अब ये नंबर का आधार नहीं हो सकता कट ऑफ, पहले तो आप सभी लोग जान लीजिए। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आधार कभी ये नहीं हो सकता कि आप इससे ये अनुमान लगा सकें कि कट ऑफ कितनी जाएगी। अब कट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे वो भी डिसाइड करता है, कितने पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट था, इजी था या टफ था। तो अगर मैं पेपर फर्स्ट की आप सभी लोगों से बात करूं, पेपर फर्स्ट को लेकर के, तो इन्हीं अमून बच्चों से मैंने दूसरा पोल लगा करके पता किया कि पेपर फर्स्ट कैसा आया। तो 50+ बच्चे कह रहे हैं पेपर फर्स्ट जो है मॉडरेट टू हाई टफ लेवल का पेपर फर्स्ट आया, यानी जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का, यानी टफ है, तो यहां पर कट ऑफ गिरेगी। साथ ही साथ पेपर टू की बात करें, तो पेपर टू में यहां पे थोड़ा सा हमको देखने को ये मिल रहा है, बच्चे यहां पर इसको इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं, मतलब इजी भी है और मॉडरेट भी है। लेकिन इस पेपर को, चूंकि मैं खुद पढ़ाता हूं झारखंड जी के, तो इस पेपर को देख करके मैं भी अपना एक थॉट्स देना चाह रहा हूं इस पेपर को लेकर के। यह पेपर टू जो है, वह आप सभी लोगों का, जिस बच्चे ने डीप में पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसके लिए इजी टू मॉडरेट है। जो ऊपर ऊपर हवा हवा करके पढ़ के गया है, या कोई मैराथन देख के चला गया, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के चला गया, या हम कहें कि 10-5 घंटे की वीडियोस देख के चला गया, तो उसके लिए ये पेपर इजी नहीं है। जिस बच्चे के लिए पेपर, उसी के लिए इजी है जिसने डेप्थ में पूरा सिलेबस पढ़ा है। तो ये तो रहा हमारा प्रेडिक्शन। अब आते हैं फाइनल कट ऑफ पर, कितनी जा सकती है, ये मेरा प्रेडिक्शंस है, इतना जाने की संभावना है।
अच्छा दूसरी पिछली बार कितनी गई थी? तो 248 जनरल की क्वेश्चंस आंसर जो आपका अंक है उतना गया था। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों के 100 अनरिजर्व कैंडिडेट हो, आप 125 से आपके 135 के बीच में अगर आप अंक हैं, 125 अगर आपके अंक हैं, 125, 124 या फिर 130, ऐसा नहीं कि 125 विवेक सर ने कह दिया तो पत्थर की लकीर है, या तो दो क्वेश्चन पीछे मान लीजिए या दो क्वेश्चन आगे मान लीजिए, यानी कि 125 से अगर आप 135 के बीच में अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं तो आज से ही तैयारी भैया प्रारंभ कर दो, क्योंकि जेपीएससी ने दिखा दिया है। देखो बच्चों थोड़ा सीरियस होकर के सुनो मेरी बात को, लीक पेपर हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन अगर जेपीएससी अपने पे अड़ा रहा, जैसे 35 दिन में पेपर करा लिया, वैसे अगर मेंस का पेपर हो गया तो भाइयों संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। हमने और तुमने कितना ट्विटर कैंपेन किया, कितना ज्यादा आयोग से आग्रह किया, आयोग अपनी पे अड़ा रहा और उसने पेपर 17 मार्च को लिया। अगर आपके 125 अंक हैं तो तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की, तुमने मन लगा के तैयारी की और आज से जुट जाओ तैयारी में। अब दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कैसे आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो जेपीएससी के लिए मेरे मार्गदर्शन में बिरसा बैच मेंस के लिए शुरू किया गया है। इस बैच में ज्यादा एडमिशन नहीं लिए जाएंगे, मात्र 50 एडमिशन होंगे। इतने कम प्राइस में मेरी खुद की गाइडेंस रहेगी, मैंने कई सारे स्टेट पीएससी के मेंस एग्जाम लिखे हैं। साथ ही साथ अगर मैं अभिषेक सर की बात करूं तो अभिषेक सर, सिमोहन सर और एक खास बात, हम लोगों के साथ पीसीएस अधिकारी शांति भूषण सर, जिनके खुद के 16+ एग्जाम निकाले हैं, उन्होंने जॉब रिजाइन दी है, यानी कि वर्तमान वो पीएससी अधिकारी हैं सचिवालय में, वह भी आपको बताएंगे कि रिटर्न एग्जाम में कैसे मेंस का पेपर लिखा जाता है। इस बैच की फीस मात्र और मात्र ₹1,850 है। सुपर 50 बैच रखा गया, यानी 50 एडमिशन के बाद इसको क्लोज कर दिया जाएगा। अगर आपके 125 से ऊपर अंक हैं तो आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 1-2 दिन में ये सीट्स फुल हो जाएंगी। ₹1,850 है। बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मैसेज पर क्लिक करके, या तो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे टीचर्स एक्सप्रेस, टीचर्स एक्सप्रेस सर्च करेंगे, जो चैनल का लोगो है यही लोगो के नाम से आ जाएगा, रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, बिरसा बैच मेंस बैच के नाम से आ जाएगा, 11th जेपीएससी ज्वाइन कर लीजिएगा मात्र ₹1,850 में। कोई भी असुविधा होने पर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑफिशियल नंबर है 73 76 11 45 88, 7376114588, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी असुविधा होने पर या कोई भी जानकारी बैच संबंधित चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे और अभिषेक सर, मैं, शिवमोहन सर और शांति भूषण सर जब आपको डेली आंसर राइटिंग करवाएंगे तब जाकर के आपकी तैयारी विधिवत हो पाएगी। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, जय जोहार, जय झारखंड।